नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, ईपीएफओ पोर्टल में दो जगहों पर प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है पिछले कुछ दिनों से। पहला दोस्तों, यूएन नंबर एक्टिवेट करते समय, और दूसरा पीएफ का पैसा ट्रांसफर करते समय यहाँ पे जो है एरर शो हो रहा है। और इस एरर से जितने भी पीएफ मेंबर जो पीएफ का पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं या यूएन नंबर एक्टिवेट करना चाहते हैं परेशान है और वे जो है घबराए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोग को दिखा देते हैं कि एरर क्या शो हो रहा है। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं यूएन के लॉगिन वाले पोर्टल पर, और यहाँ पे हम थोड़ा नीचे को जाएंगे। नीचे को आने के बाद दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को इम्पोर्टेंट लिंक देखने को मिल रहा है और यहाँ पे एक्टिवेट यूएन देखने को मिल रहा है। इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आप लोग के सामने आता है। अब दोस्तों, ये पूरा डिटेल आप यहाँ पर भर लेते हैं। डिटेल भरने के बाद यहाँ पर टिक लगाते हैं और गेट ऑथोराइज्ड पिन पर क्लिक करते हैं। उसके बाद दोस्तों, आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाता है। उस ओटीपी को दोस्तों यहाँ पर डालते हैं और यहाँ वैलिडेट एंड एक्टिव यूएन पे क्लिक दोस्तों सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों, आपके सामने कुछ इस तरह का एरर आ जाता है। यहाँ पर दोस्तों देखते लिखा हुआ है कि डेट ऑफ बर्थ रिसीव्ड फ्रॉम यूडीआई सर्विस डज नॉट मैच विद द अवेलेबल डाटा इन यूनिफाइड पोर्टल, यानी कि आपका यूनिफाइड पोर्टल पर जो डिटेल है वो आधार कार्ड के डिटेल के साथ मैच नहीं कर रहा है। इस तरह से एरर आप लोगों के सामने आ जाता है। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, इस एरर से दोस्तों बहुत सारे पीएफ मेंबर परेशान हैं और वो सोच रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कि मेरा डेट ऑफ बर्थ कहीं गलत हो गया है आधार में, या हमारे आधार कार्ड में कोई डेट ऑफ बर्थ गलत है, या हमारे यूनिफाइड पोर्टल में कोई डेट ऑफ बर्थ गलत है जिसकी वजह से हम अपना यूएन नंबर एक्टिवेट नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका डिटेल कोई मिसमैच होता या आपका डेट ऑफ बर्थ गलत होता तो आपने जब शुरू में ही डिटेल जो फिल किया था, पहला ही पेज पर डिटेल आपने फिल किया था, यहाँ देख सकते हैं लिखा है यूएन एक्टिवेट, जब आप डिटेल फिल करते हैं तो यहीं पर आपका जो है एरर शो हो जाता है। यहीं पर यहीं से प्रोसेस आपका आगे नहीं जाता, लेकिन आपका प्रोसेस ओटीपी सबमिट होने के बाद ये एरर आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक सर्वर एरर है, और ये सर्वर एरर आधार का सर्वर एरर है, ईपीएफओ का एरर नहीं है। आधार का सर्वर एरर से ये एरर आ रहा है। पिछले कुछ दिनों से दोस्तों आधार का सर्वर अच्छी तरह से काम नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से जब हम ओटीपी सबमिट कर रहे हैं तो या तो ओटीपी हमारे मोबाइल पर आता ही नहीं है, कुछ और एरर आता है, या ओटीपी अगर आता है तो इस तरह का एरर हमें देखने को मिलता है। इस तरह से दोस्तों, अगर आप पीएफ का पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए जा रहे हैं, पीएफ का पैसा ट्रांसफर करने जाते हैं, तो वहाँ पे भी इसी तरह का एरर शो हो रहा है। तो दोस्तों, आप लोग घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सर्वर एरर है। जैसे ये सर्वर एरर ठीक हो जाएगा, आप अपना पीएफ का पैसा भी ट्रांसफर कर पाएंगे, अपना यूएन नंबर एक्टिवेट भी कर पाएंगे। फिलहाल आपको बता देता हूँ कि आपके डिटेल में किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है, ये केवल एक सर्वर एरर है जिसकी वजह से जो है आप लोगों को इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, पिछले एक हफ्ता से यह प्रॉब्लम आ रहा है, और ये एक पीएफ मेंबर के साथ नहीं, जितने पीएफ मेंबर फिलहाल में अपना यूएन नंबर एक्टिवेट करने जा रहे हैं या पीएफ का पैसा ट्रांसफर करने जा रहे हैं, सभी के साथ ये एरर आ रहा है। तो जैसे दोस्तों ये एरर ठीक हो जाएगा, आप जो है अपना काम कर सकते हैं। अब ये एरर ठीक होने का कोई समय नहीं होता दोस्तों, हो सकता है कि मैं वीडियो बनाकर अपलोड करूँ उसके तुरंत बाद ही एरर ठीक हो जाए, या हो सकता है कि अभी एक हफ्ता हो चुका है, एक हफ्ता से ज़्यादा और भी लग जाए। तो ये एरर जैसे ठीक हो जाएगा आप यहाँ पर अपना वर्क कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये थी जानकारी जो आप लोगों को बताना था। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।